क्रिकेट लवर्स, ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 फरवरी से शुरू हो रहे बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को इस टेस्ट सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन करना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही भारत के खिलाफ होने वाले इस टेस्ट सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया था और अब भारत ने एक दिन बाद शुरुआती दो टेस्ट मैचों के लिए स्क्वाड की घोषणा की है। 32 वर्षीय T20 स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को स्क्वाड में शामिल किया गया है। वो अभी तक टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अनकैप्ड हैं। उम्मीद है आगामी सीरीज में उनको डेब्यू का मौका मिल जाएगा। विकेटकीपर ईशान किशन भी अभी तक भारत के लिए एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है। वो KS भरत को बतौर विकेटकीपर ज्वाइन करेंगे। रोहित शर्मा ही टीम के कप्तान होंगे जबकि KL राहुल को उनका डेप्यूटी बनाया गया है। स्पिनर कुलदीप यादव को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। उनके अलावा रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा टीम के स्पिन ऑप्शन होंगे। हालांकि रविंद्र जडेजा की उपलब्धता पर सवाल बना हुआ है। पेस अटैक की बात करें तो स्क्वाड में 4 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है। वो हैं मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जयदेव उनादकट। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शुरुआती दो टेस्ट मैचों के लिए टीम में जगह नहीं बना पाए। वो इंजरी के चलते लंबे समय से टीम से बाहर हैं। नागपुर में 9 फरवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध शुरुआती दो टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड कुछ इस प्रकार है दोस्तों। रोहित शर्मा कप्तान, KL राहुल उपकप्तान, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KS भरत विकेटकीपर, ईशान किशन विकेटकीपर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट, सूर्य कुमार यादव। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी गई टीम से आप संतुष्ट हैं या नहीं कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए फॉलो करें हमारा पेज। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।